ट्यूटोरियल में हम देखा कि जनरल सेटिंग्स क्या होती हैं। अब इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि राइटिंग सेटिंग्स कुछ होती हैं, वो क्या है और किस पर्पस के लिए यूज होती हैं। तो हम जो भी पोस्ट की कैटेगरी होती है वो डिफॉल्ट पोस्ट की कैटेगरी क्या हो, तो मैंने इसको कह दिया ब्लॉग। ठीक है, अब उसका फॉर्मेट भी होता है, तो ये डिफरेंट फॉर्मेट है और डिफरेंट फॉर्मेट के डिफरेंट पर्पस है, तो मोस्टली ये स्टैंडर्ड होता है, तो आपने इसको स्टैंडर्ड रखना है। अगर आप इसकी कंप्लीट डिटेल जानना चाहें तो वो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली स्टैंडर्ड ही होती है। वर्डप्रेस के दो एडिटर मोस्टली यूज होते हैं, ब्लॉग एडिटर जो कि वर्डप्रेस का अपना एडिटर है, जो कि न्यू अपडेट में जो भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ब्लॉग एडिटर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है, और क्लासिक एडिटर जो कि इसका ओल्ड एडिटर था वर्डप्रेस का, तो वो उसको आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आप यहाँ पे इसको सेटिंग कर सकते हैं कि ब्लॉग एडिटर आपने डिफॉल्ट रखना है या क्लासिक एडिटर डिफॉल्ट रखना है। उसके बाद आपने यूजर्स को अलाउ कर सकते हैं कि आप चेंज कर सकते हैं एडिटर, कि आप क्लासिक एडिटर चूज करना चाहें, ब्लॉग एडिटर यूज करना चाहें, तो आप यूजर्स को अलाउ कर सकते हैं। मेल सर्वर क्या है कि जब आप ऑनलाइन सर्वर पर जाते हैं तो कोई भी आपको ईमेल करते हैं तो आपको ईमेल रिसीव हो, तो उस ईमेल की सेटिंग आप यहाँ पर करते हैं। मेल सर्वर आप यहाँ पे गूगल का भी दे सकते हैं, मेल सर्वर आप अपनी होस्टिंग का भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे आप उस मेल सर्वर की सेटिंग कर सकते हैं। जब हम लाइव सर्वर पे जाएंगे तो हम इसको सेटिंग करके मैं आपको बताऊंगा कि हम एक ईमेल कैसे सेटअप करते हैं। सबसे पहले क्योंकि होस्टिंग में हमने ईमेल सेट करना होता है, उसके बाद हम उसको यहाँ पे उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं और उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे जब हम लाइव सर्वर पे मूव करेंगे, तो ये तब देखेंगे। ये होता है अपडेट सर्विस। लेट्स सपोज ये मोस्टली यूज होते हैं पोस्ट वेबसाइट, पोस्ट और एक ब्लॉग वेबसाइट के लिए, कि जब भी आप कोई ब्लॉग यहाँ पे या पोस्ट करते हैं तो वो पिंग हो जाए इस यूआरएल पे, और इस यूआरएल को पिंग कर देता है फिर गूगल, तो वो आपकी सर्विस जो भी पोस्ट होती है वो गूगल पे रैंक होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जस्ट फॉर क्रॉलर होता है या एसईओ पर्पस के लिए यूज होता है कि आपकी वेबसाइट गूगल में शो होने लग जाती है, लेकिन ये एक ऑथेंटिक वे नहीं है। आपको भी चाहिए कि आप अपनी वेबसाइट गूगल में खुद सबमिट करवाएं यूजिंग साइट मैप, तो आगे जाके हम इसको भी देखेंगे कि साइट मैप से हम अपनी वेबसाइट को गूगल में कैसे सबमिशन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी वेबसाइट को मुकम्मल तौर पर बनाना होता है कि प्रॉपर जो हमारी वेबसाइट होगी वो बन जाए, और नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम उसको गूगल में सबमिट करवाएं। ठीक है, तो ये कुछ सेटिंग्स थी राइटिंग सेटिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि रीडिंग सेटिंग्स क्या होती हैं और वो हम कैसे सेट कर सकते हैं और वो किस पर्पस के लिए यूज होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर अपकमिंग न्यू वीडियोज। यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन दीज सोशल लिंक्स इफ यू हैव एनी problem.